नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से देश के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई योजना जिसका नाम है इंटर्नशिप योजना। दोस्तों आपको बता दें कि MHRD इंटर्नशिप योजना अब देश के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट योजना है वो शुरू की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इंटर्नशिप स्कीम्स शुरू की गई है और दोस्तों ये योजना अब आगे चलती ही जाएगी। इस योजना के तहत 10,000 रुपए प्रतिमाह है स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इसके लिए आवेदन किस तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि आखिर MHRD इंटर्नशिप योजना है क्या, तो यहाँ पे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MHRD की इंटर्नशिप योजना आखिर है क्या, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी योग्यता है। टोटल जानकारी आपको यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनके अलावा यहाँ पे आपको एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। इनके अलावा योग्यता वगैरह व अन्य जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि आखिर MHRD इंटर्नशिप योजना है क्या। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से इसके लिए आवेदन होता है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में देखिए सबसे पहले आपको इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले यहाँ पे आपको इस वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नव रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फिर यहाँ पे मेल या फीमेल, फिर यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ पे मदर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका अलग अलग है तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे अलग और इधर अलग है। अगर सेम है तो यहाँ पे आपको सेम पे क्लिक करते ही इधर वाला सेम हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद में मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे ये कैप्चा कोड टाइप करने हैं और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैप्चा टाइप कर लिए, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ऑन हो गया तो हमें इस पर क्लिक कर देना। अब ये कह रहा है कि यू आर श्योर, हम इसे कर देते हैं सेव। ओके पे क्लिक करते हैं, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से एप्लीकेशन योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, पासवर्ड और ID है वो आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। ओके, हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड और ये कैप्चा डालने हैं, तो जो हमने मोबाइल नंबर दिए थे वो यहाँ पे हमारी ID होगी और जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएंगे। तो हमें मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा डालने हैं और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे सामने नए पासवर्ड के लिए बोल रहा है कि अब आप अपने नए पासवर्ड है वो बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपने नए पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कंटिन्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमें फिर से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारे जो पासवर्ड है वो नए हो गए हैं जो हमने अभी क्रिएट किए हैं, वो यहाँ से हमें फिर से मोबाइल नंबर टाइप करना है और यहाँ पे वही पासवर्ड जो हमने अभी फिलहाल बनाए हैं, चेंज किए हैं, अपडेट किए हैं, वो यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में कैप्चा और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट, अपनी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। 100 KB से ज़्यादा की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आपको, 100 KB से कम की अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पे एक रिलेशनशिप वाले इंसान का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जो आप किसी का भी यहाँ पे नाम देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में रिलेशन यहाँ पे हमें फादर, मदर, ब्रदर, तो मैं यहाँ पे ब्रदर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें अपने एजुकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। हमें ये 4-5 स्टेप हैं ये पूरे करने होंगे। पहला आया था जनरल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा एजुकेशन का, तीसरा एक्स्ट्रा और चौथा ओदर और फाइनल। तो यहाँ पे हमें स्कूल का नेम टाइप करना है, 10th का, 12th का, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जो यहाँ से आप 1, 2, 3 ईयर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, जो एजुकेशन की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, परसेंटेज वगैरह, वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर हमारा ये
तीन नंबर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर चार नंबर, फिर पांच नंबर। तो इसी तरीके से आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। तो दोस्तों इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरकर आपको ये पांचों स्टेप यानी फाइनल में ये सबमिशन हो जाएगा। आप जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक प्रिंट वगैरह मिलेगा जिसे आप पीडीएफ को सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और आपको आवेदन संख्या वगैरह टोटल जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिलहाल दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर 9, यानी अभी रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप यहाँ पे फाइनल पे सबमिशन करोगे तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में आप चेक कर पाओगे कि आपका आवेदन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। जो भी हुआ वो सारी डिटेल इसी पोर्टल के जरिए इन्हीं आईडी पासवर्ड यानी इन्हीं मोबाइल नंबरों से लॉगिन करके और वही पासवर्ड डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे जानकारी आपको अच्छी लगी है, और दोस्तों इसकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसकी और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योग्यता वगैरह ये टोटल जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, और आने वाले ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।